नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्यूष। अगला जो लोकसभा चुनाव है 2024 का, बेहद दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि इस लोकसभा चुनाव में कई आईएएस और आईपीएस अधिकारी अपना भाग्य आजमाते दिखेंगे। आपको पता है कि देश के जाने माने चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर लगातार बिहार में दौरा पर हैं, यात्रा पर हैं, और चुनाव से पहले वो अपनी पार्टी भी बना सकते हैं। अभी स्वराज जन यात्रा कर रहे हैं और उनकी पार्टी में आधा दर्जन से ज़्यादा 8 आईएएस आईपीएस अधिकारी अब तक शामिल हो चुके हैं। और प्रशांत किशोर तो बहुत दिग्गज हैं, उनको अनुभव है चुनाव लड़ाने का। पीएम मोदी से लेकर कई देश के बड़े नेताओं के लिए चुनाव की रणनीति बना चुके हैं, तो इस बार वो आईएएस आईपीएस अधिकारियों को साथ लेकर बिहार की राजनीति में प्रयोग करना चाहते हैं। और 8 से ज़्यादा आईएएस आईपीएस अधिकारी उनके संगठन में शामिल हो चुके हैं। आपको नाम बता दूं, कई ऐसे आईएएस अधिकारी हैं, आईपीएस अधिकारी हैं जिनके पार्टी में शामिल हुए हैं। एक हैं अजय द्विवेदी, पश्चिम चंपारण के रहने वाले हैं, बिहार सरकार में कैबिनेट विभाग के विशेष सचिव के पद पर तैनात थे, सेवानिवृत्ति के बाद वो शामिल हो गए हैं। फिर ललन यादव हैं, नवादा और कटिहार के डीएम रह चुके हैं और पूर्णिया में आयुक्त रह चुके हैं, मुंगेर के रहने वाले हैं। तुलसी हजारी पूर्वी चंपारण के रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हैं, बेतिया के प्रशासक रह चुके हैं, और सुरेश शर्मा स्वास्थ्य विभाग के रिटायर्ड सचिव हैं, गोपालगंज के रहने वाले हैं। गोपाल नारायण सिंह ग्रामीण कार्य विभाग में अधिक तैनात थे, अभी रिटायर हो चुके हैं, औरंगाबाद के रहने वाले हैं। प्रशांत किशोर ने कहा है कि 8 पूर्व आईएएस और आईपीएस अधिकारियों ने उनकी मुहिम जन सुराज का साथ दिया है, उनके साथ हो गए हैं, और इसमें जितेंद्र मिश्रा और अशोक सिंह के नाम भी शामिल हैं जो चर्चित आईएएस आईपीएस अधिकारी हैं। तो अब देखना यह है कि प्रशांत किशोर जो प्रयोग करना चाहते हैं बिहार की राजनीति में, वो कितना सफल होता है, और प्रशांत किशोर के द्वारा आईएएस आईपीएस अधिकारियों को अपने संगठन में ज़्यादा तरजीह देने की वजह से बिहार की राजनीतिक दलों में भी आईएएस आईपीएस अधिकारी का क्रेज बढ़ गया है। और आरजेडी ने भी एक पूर्व आईपीएस अधिकारी को शामिल कराने का फैसला लिया है। पूर्व आईपीएस करुणा सागर आज ही पार्टी में शामिल होंगे। वह तमिलनाडु के पूर्व डीजीपी हैं और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव उन्हें अपनी पार्टी की सदस्यता खुद अपने हाथों से दिलाएंगे। आरजेडी इस बात से निश्चिंत है कि यादव और मुसलमान वोट बैंक उनका इंटैक्ट है, उसमें कोई सनबारी नहीं हो सकती, और तेजस्वी यादव अपनी पार्टी को A to Z की पार्टी बनाना चाहते हैं, यानी दूसरी जातियों को अपनी पार्टी से जोड़ना चाहते हैं, और इसी रणनीति के तहत इस आईपीएस अधिकारी को पार्टी में शामिल कराया जा रहा है। और ऐसा कहा जा रहा है कि जहानाबाद से ये लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। आनंद मोहन की बात आप जानते ही हैं, आनंद मोहन की जेल से रिहाई हुई है, इसी वजह से कि राजपूतों को अपनी तरफ आकर्षित किया जा सके, राजपूत वोट बैंक को साधा जा सके, उसको लेकर कितना हंगामा हुआ, लेकिन सरकार पीछे नहीं हटी। तो अब करुणा सागर लड़ेंगे जहानाबाद से लोकसभा चुनाव, ऐसी चर्चा है। अभी तो वहाँ से जेडीयू के सांसद हैं, अब वो सीट शायद आरजेडी के खाते में जाएगी और वहाँ से इस पूर्व डीजीपी को यानी आईपीएस अधिकारी को मौका मिलेगा हाथ आजमाने का। वैसे तो आईएएस आईपीएस पहले भी राजनीति में आते रहे हैं, जन सुराज 2024-25 के चुनाव के पहले अपने संगठन में उन्हें शामिल कराकर एक नया प्रयोग करने की रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। प्रशांत किशोर के पास चुनाव का बड़ा अनुभव है, इसमें सबकी कोई गुंजाइश नहीं है। नरेंद्र मोदी से लेकर नीतीश कुमार जैसे बड़े बड़े धाकड़ नेताओं के सलाहकार रह चुके हैं और पूर्व आईएएस और आईपीएस की सलाह पर जन सुराज को आगे ले जाने की योजना बना रहे हैं। तो बिहार में पूर्व आईएएस और आईपीएस की राजनीतिक इतिहास को अगर देखें तो देश की पहली महिला लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी रह चुकी हैं, और पूर्व आईपीएस अधिकारी सुनील कुमार अभी मध्य निषेध विभाग के मंत्री भी हैं, पिछले विधानसभा चुनाव में जीते थे। आरसीपी सिंह जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और केंद्र में मंत्री भी रहे, वो भी आईएएस अधिकारी हैं। आरके सिंह आरा से बीजेपी के सांसद हैं, भारत सरकार में मंत्री हैं। इसके अलावा मुनीलाल गोरेलाल यादव, डीपी ओझा, सुधार कुमार और सर्वेश कुमार, अरुण कुमार, केपी रमैया जैसे कई ऐसे नाम शामिल है जिन्होंने राजनीति में जोर आजमाइश की लेकिन बहुत सफलता नहीं मिल पाई। राजनीति की राह तो पकड़ी लेकिन सफलता जो मिलनी चाहिए थी नहीं मिली। लेकिन बहुत ऐसे आईएएस अधिकारी हैं जिनको ज़्यादा सफलता मिली है,
आईपीएस से ज़्यादा आईएएस अधिकारियों को राजनीति में सफलता मिलती हुई दिख रही है। और बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री महामाया प्रसाद सिन्हा ने सार्वजनिक रूप से जब यशवंत सिन्हा को अपमानित किया तब उन्होंने नाराज होकर कहा था कि मैं तो नेता बन जाऊंगा, मैं तो मंत्री बन जाऊंगा, मुख्यमंत्री बन जाऊंगा, लेकिन आप कभी आईएएस नहीं बन पाएंगे। उसके बाद उन्होंने राजनीति का रुख किया और उन्होंने जो कहा था उसे सच साबित करके दिखाया। भारत सरकार के वित्त मंत्री भी रहे। तो आईएएस आईपीएस अधिकारियों का जो राजनीति में आने का इतिहास है बिहार में वो पुराना है और उनको सफलता भी मिलती रही है। अब देखना ये है कि प्रशांत किशोर ज़्यादा से ज़्यादा आईएएस आईपीएस अधिकारियों को अपने संगठन में लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं बिहार की राजनीति में तो क्या गुल खिलता है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन सिटी पोस्ट के बहुत मायने रखता है।